हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जेट अचीवर ऐप वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, जब आप किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं तो नहीं होता है, तो गाइस कैसे इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए दो तरीका है, एक तरीका पहले बताता हूँ फिर दूसरा तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, या ऐप मैनेजर नाम से भी हो सकता है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जब देखिए आप आ जाएंगे। अगर ये वाली सेटिंग आपको नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आएंगे तो जेट अचीवर आपको मिल जाएगा सबसे नीचे, देखिए है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब इतना करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद फोर्स स्टॉप जो लिखा है बीच में, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। अब गाइस इतना सब कुछ करने के बाद सिंपली आपको अपने इंटरनेट को ऑन करना है और प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर चेक करना है कि जेट अचीवर ऐप अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो सबसे पहले आप इसे अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है अपडेट है, तो देखिए यहाँ पर अपडेट है। अब इसे ओपन करना है और यहाँ पर अलाउ करना है। अब यहाँ जहाँ पर भी आपकी OBB फाइल है आप वहाँ पर जाकर अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए हो रही है फाइल एक्सट्रैक्ट। अगर आप इसे कॉपी भी करेंगे तो कॉपी भी होगी। चलिए मैं आपको कॉपी भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखिए इस OBV फाइल को कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए गाइस आपको इस पर कुछ टाइम तक क्लिक किए रहना है। देखिए क्लिक किए रहेंगे, टैप किए रहेंगे, या फिर गाइस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर फाइल के शुरुआत में, तो देखिए क्लिक हो गया है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर कॉपी या कट का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी करके या फिर कट करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस।